दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर। तो अगर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं यानी कि बाल्यावस्था एवं उसका विकास पढ़ रहे हैं तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक तरह से ये बहुत ही मूलभूत यानी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है जिसे कि आपको इस विषय को आगे पढ़ने से पहले इस अंतर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पे बोल चाल की भाषा में तो हम वृद्धि और विकास को एक ही समझ लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं इसमें बड़ा तेज़ी से विकास हो रहा है, इस बच्चे का विकास बहुत तेज़ हो रहा है। और अगर हम देखते हैं किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, कोई बच्चा वजन में बहुत बढ़ रहा है तो हम कहते हैं यार इसका विकास बहुत तेज़ है, इसकी लंबाई बहुत तेज़ विकास है। तो विकास शब्द जो है आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कहीं ना कहीं वृद्धि के स्थान पर और वृद्धि शब्द का स्थान इस्तेमाल भी जो है आमतौर पर बोलचाल में हम विकास के स्थान में इस्तेमाल करते हैं। परंतु अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो वृद्धि और विकास ये दोनों ही शब्द आपस में अलग अलग हैं और इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जहाँ वृद्धि का अर्थ होता है आकार में, वजन में, लंबाई में या किसी भी मापने योग्य पैमाने में बढ़ना, अपने पूर्व की स्थिति से थोड़ा बढ़ना, उससे ज़्यादा हो जाना, फैल जाना, तो हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति में वृद्धि हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की तो विकास जो है एक बहुआयामी शब्द है। विकास क्या है? विकास के अंतर्गत ही जो है शारीरिक यानी कि जो देखने योग्य आपकी वृद्धि हो रही यानी कि लंबाई, ऊंचाई, वजन, आकार में जो वृद्धि होती है ये भी कहीं ना कहीं आपके विकास का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे कि आपको इस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होगी, उसके बाद हम डिटेल में चलते हैं। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों तो बच्चा जो है कुछ 3.5 किलो 2.5 मतलब और नॉर्मल जो वेट होता है उसके आसपास, जैसे जैसे वो विकसित होता चला जाता है उसके वजन में, उसके आकार में और उसकी लंबाई में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। आकार में वो क्या होता है? बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। लंबाई में भी उसकी बढ़ोतरी होती है और वजन भी उसका बढ़ता है। तो ये जो चीज़ें होती है आकार, लंबाई और वजन में बढ़ना, इसे हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं अगर एक और उदाहरण लें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में जैसे भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 तक मान के चला जाता था कि 1 करोड़ 25 करोड़ के, अब आज वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है आज तकरीबन देश की जनसंख्या 1 करोड़ 35 लाख के आसपास जो है पहुँचे हुए, यानी कि हम चाइना को भी अब पीछे छोड़ चुके। तो ये क्या हुआ? हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई, संख्या में वृद्धि हुई। तो हमने क्या किया? मापा। हम जिस चीज़ को माप सकते हैं उसे हम वृद्धि के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं बढ़ते हुए, जिसको हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो इस तरह से इसी तरह से आप देखिए उम्र के साथ बच्चे की हाइट में और लंबाई में और साथ साथ आकार में, वजन में, सब में बढ़ोतरी होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे भी हम कह सकते हैं वृद्धि। ठीक है, लेकिन एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वृद्धि और विकास की तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी आसानी होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की यानी कि डेवलपमेंट की, तो विकास या डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक विकास को भी रखते हैं, हम शारीरिक विकास को भी रखते हैं यानी कि भौगोलिक रूप से देखने योग्य विकास को, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और आपके वजन, आकार सब में बढ़ना यानी कि इसे हम फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। इसमें भी सामाजिक रूप से आप कितने मैच्योर हो रहे हैं, सामाजिक रूप से आप कितने सक्षम हो रहे हैं, आपके अंदर कितने बेहतर सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है, लोग आपको समाज में कितना सम्मान देते हैं, कितना आपको प्रेम करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, आप ज़्यादा पॉपुलर है, तो कहीं ना कहीं आप जो है सामाजिक रूप से प्रचलित हैं, आपका अच्छा सामाजिक विकास हुआ है, यानी कि आपकी जो ग्रोथ हुई है, दिन प्रतिदिन जो बढ़ी है, ये भी आपका डेवलपमेंट का आयाम। तो डेवलपमेंट जो शब्द है इसके अंतर्गत वृद्धि जो है यानी कि आकार, वजन और लंबाई, चौड़ाई में बढ़ना, यानी कि वृद्धि एक
हिस्सा है विकास की प्रक्रिया का। तो विकास जो है एक बहुआयामी शब्दावली है, एक बहुत वृहद बहुत ही व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत वृद्धि शब्द भी आता है। तो ध्यान रखिए कि वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम सामाजिक रूप से भी बढ़ रहे हैं, हम शारीरिक रूप से भी बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। आर्थिक रूप से भी, अगर हमारी आज से 10 साल पहले आय थी 10,000 रुपये, तो आज हमारी आय बढ़कर अगर 15,000-17,000 हो गई, यानी जो वृद्धि हुई हमारे आय में, ये भी जो है विकास का ही हिस्सा है। तो अलग अलग जो आयाम होते हैं किसी व्यक्ति के जीवन के, जब उसमें वृद्धि होती है तो सभी को जब हम सामूहिक रूप से देखते हैं तो उसे हम विकास कहते हैं। तो विकास कोई एक शब्द या किसी एक विषय में बढ़ने की प्रक्रिया को हम संदर्भित नहीं करते या मतलब हम उसके लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि हर एक क्षेत्र में जब हमारा विकास हो रहा होता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चीज़ को संदर्भित करने के लिए हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब हम भावात्मक रूप से इमोशनल रूप से भी ज़्यादा मैच्योर होते हैं, जब बचपन में हम क्या करते हैं, या तो गुस्सा करते हैं या लड़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना सीखते हैं, हम समझ पाते हैं कि कौन सी स्थिति में हमें गुस्सा करना चाहिए और कब हमें अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखना चाहिए। हम ये भी समझ पाते हैं किस तरह से हमारे मन में जो भावनाएं हैं, हमारे मन में अगर किसी के प्रति प्रेम है, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है या द्वेष है, कुछ भी है हमारे मन में, तो उन भावनाओं को सही प्रारूप में सही तरीके से कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये जो कौशल, ये जो स्किल हमारे अंदर डेवलप होता है ना, इसे भी हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। इसी तरह से एक अच्छा स्वास्थ्य, जब हमारा स्वास्थ्य मान लीजिए अच्छा नहीं है, हम अपने ऊपर काम करते, हम व्यायाम करते, कसरत करते, अच्छा भोजन करते, साफ सफाई रखते, तो हम शारीरिक रूप से भी बेहतर होते चले जाते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी जो वृद्धि होती है ये भी एक तरह से विकास का ही महत्वपूर्ण आयाम है। इसी तरह से रिलीजियस और स्पिरिचुअल, अब हम बात करते हैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल, धार्मिक रूप से जो हमारी समझ है समय के साथ में क्या होती है, ये भी विकसित होती चली जाती है। हम जब छोटे होते हैं तो धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, जैसे जैसे स्कूली शिक्षा मिलती है, हम स्कूलों में जाना शुरू करते हैं, शिक्षकगण माता पिता और अपने सहपाठियों के साथ में धर्म जाति अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान में वृद्धि जब हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति होती है तो ये भी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में मदद करती है। और इसी तरह से संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भी हम देखेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास भी जो है हमारे, यानी कि चीज़ों को सीखना समझना और उनके बाद उन चीज़ों को समझकर उसके आधार पर एक निर्णय लेने की जो योग्यता होती है, इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसे हम कहीं ना कहीं शैक्षिक विकास के साथ में भी जोड़कर देखते हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, आप समय के साथ में ज़्यादा शिक्षित होते हैं, आपका विषयों को लेकर आपकी समझ बढ़ती है, आप ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका चिंतन करने की क्षमता, किसी समस्या के समाधान को करने की जो आपकी योग्यता होती है, इसमें वृद्धि होती है। तो आपने देखा कि जो हमारे जीवन के अलग अलग आयाम हैं, चाहे वो आपका सोशल हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो, या फिर हेल्थ की बात हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर आपका इमोशनल हो, या फिर हम हेल्थ की बात करते हैं, जब इन सभी क्षेत्रों में हमारा वृद्धि होता है, हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि जिसे कि हम देख सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि वृद्धि शारीरिक और देखने योग्य जो बढ़ोतरी होती है, जो फैलाव होता है, उसको संदर्भित करता है, जबकि विकास जो है सर्वांगीण क्षेत्रों में, हमारे जीवन के जो सर्वांगीण क्षेत्र है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए थोड़ा विस्तारपूर्वक समझते हैं। तो देखिए, अगर हम थोड़ा परिभाषा रूप में देखें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं वृद्धि का अर्थ क्या होता है। अगर शाब्दिक अर्थ के ऊपर हम जाते हैं तो वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है कि बढ़ना या फैलना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ये कोई छोटा सा शेप है, ठीक है, अगर ये अब बढ़ गया तो ये क्या हुआ, इसके आकार में बढ़ोतरी हुई। तो आकार में बढ़ोतरी, मान लीजिए ये पहले 2 kg का था, अब ये हो गया आपका 5 kg का। तो आप देखिए कि 2 kg से 5 kg, तो इसके वेट में बदलाव हुआ 3 kg का। आकार में पहले अगर मान के चलिए इसका एरिया
2 मीटर स्क्वायर था, अब ये आपका 25 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसका, ये मान के चलिए 4 मीटर स्क्वायर था तो ये 25, तो इसके साइज में भी बढ़ोतरी हो गई। तो साइज में, आकार में और अब वजन में, तो ये जो बढ़ोतरी हुई इसे हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वृद्धि। तो शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें तो वृद्धि का शाब्दिक अर्थ ही होता है फैलना या बढ़ना। तो अतः मनुष्य के अंदर आंतरिक और बाह्य अंगों की जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है इसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कि हमारे हाथ जब बचपन में छोटे छोटे होते हैं, पैर छोटे छोटे होते हैं, हमारे शरीर की जो लंबाई होती है, हमारा जो वजन होता है, वो सब छोटा होता है, मतलब कम होता है, निम्न होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी योग्यता बढ़ती है, हमारे शरीर बढ़ती है, तो आप देखोगे हमारा वजन, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब चीज़ें बढ़ती है। तो वृद्धि कहीं ना कहीं क्या है, शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करता है। यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे शरीर में होने वाले बदलाव को भी हम देख सकते हैं। तो हमारे शरीर से संबंधित अगर हम अभी व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं तब, अदरवाइज तो वृद्धि के और भी आयाम है। यानी वृद्धि को हम अगर व्यापक रूप से इस्तेमाल करें तो जनसंख्या में भी वृद्धि को हम वृद्धि कहेंगे, लोगों के ज्ञान में वृद्धि को भी हम वृद्धि कहेंगे, लोगों की संपत्ति में वृद्धि को भी हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ छात्र और शिक्षा के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। तो शारीरिक बनावट में, शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर जो इंगित करता है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि वृद्धि शब्द का जब हम इस्तेमाल करें इसका मतलब कि हम शारीरिक बनावट, उसमें उसके वजन, उसके आकार, उसके शेप और साइज में बदलाव को हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है और यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अब इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि विकास का एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। आपके अंदर भी विकास हो रहा है, हमारे अंदर भी विकास हो रहा है, जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है उसके अंदर भी विकास हो रहा है, और शायद जो व्यक्ति चांद पर भी चला जाएगा उसके अंदर भी विकास होगा ही। तो विकास क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सब में होती है, सब जगह होती है, और हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में विकास करता है। तो विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, और जब से बच्चे का अस्तित्व होता है यानी कि भ्रूण का ही निर्माण होता है तब से ही व्यक्ति का विकास शुरू हो जाता है। उस समय आरंभिक स्थिति में उसके विकास की जो आप बोल सकते हैं कि जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं उसके शारीरिक संरचना के रूप में ही देखेंगे हम लोग। तो शारीरिक बनावट, जब भ्रूण से उसके हाथ पांव का निर्माण होना, शरीर का निर्माण होना, फिर कंप्लीट 9 महीने के बाद में जो है जन्म होना, ये आरंभिक चरण में होता है विकास के। उसके बाद वो सामाजिक चीज़ें, बोलना सीखता है, बात करना सीखता है, बढ़ने के बाद 4-5 साल के बाद स्कूल जाना सीखता है, तो ये सारी चीज़ें भी शुरू होती हैं। तो विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि जन्म से शुरू हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक है, और हाँ, इसकी गति हो सकता है कभी निम्न, कभी तेज, कभी बिल्कुल स्थिर हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ये चलती जरूर रहती है। विकास में हम कई बार संज्ञानात्मक चीज़ों को भी लेते हैं, कई बार भावात्मक चीज़ों को भी हम अध्ययन करते हैं। तो विकास के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि शारीरिक बदलाव के साथ साथ हम यहाँ पर मानसिक, देखिएगा, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, हमारे शरीर से हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में जब हम वृद्धि करते हैं, नया करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, अगर आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं और आप 5-7 साल के बाद एक बड़े बिजनेस में अपने विकास, व्यापार को बदल देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो। आपको लोग जो है आपके आस पड़ोस में जानते हैं, और आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि आपको पूरे देश में लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सामाजिक रूप से आपका विकास हुआ है। तो इस तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। लेकिन विकास जो है बहुआयामी है, विकास के अंतर्गत जब हम सभी चीज़ों को जोड़ते हैं तब जाके हम कहते हैं कि आदमी ने विकास किया, अदरवाइज अगर एक ही क्षेत्र को हम गिनेंगे तो वो वृद्धि कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इसके अलावा आपके आर्थिक, इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक, सभी चीज़ों को हम
जोड़कर सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति होती है उसे हम विकास कहते हैं। तो एक तरह से एक नॉर्मल थी आपकी परिभाषा है। अब आइए मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है कि भाई वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। आप समझिएगा बढ़ने की जो प्रक्रिया है ना उसे हम आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया, इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। हम जब बोल रहे हैं यार इस आदमी के अंदर बहुत विकास हो रहा है, इसके अंदर अच्छा विकास हुआ है, इस बच्चे के अंदर अच्छा विकास हुआ, तो अच्छा विकास का मतलब क्या हुआ, उसकी शारीरिक संरचना में बदलाव, उसकी हाइट बढ़ी होगी, उसकी लंबाई बढ़ी होगी, उसका आकार बढ़ा होगा, उसका वजन बढ़ा होगा। तो वृद्धि क्या है, विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आपके अंदर विकास हो रहा है मतलब कि तभी जाकर आपका, अगर हम बोल रहे हैं आपके शरीर में विकास हुआ मतलब आपके शारीरिक अंगों में वृद्धि हुई है, इस बात को समझिएगा। तो विकास क्या है, एक प्रक्रिया है और इस विकास की प्रक्रिया का ही छोटा सा हिस्सा जो है वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि है। तो विकास स्वयं में क्या है, एक प्रक्रिया, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि विकास स्वयं में क्या है, एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज इटसेल्फ ए प्रोसेस। वृद्धि क्या है, परिणात्मक होती है। देखिए परिणात्मक स्थिति होती है वृद्धि में, आप देखोगे कि जिसे आप माप सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बोला आपकी लंबाई बढ़ी, तो हो सकता है पहले आप जो है 4 फीट के रहोगे, उसके बाद आपकी लंबाई बढ़ के 5.5 फीट हो जाती है, तो जिसे आप माप सकते हो। आपका वजन पहले 30 किलो था, अब आप 35 किलो के या 37 किलो के हो गए, तो आपका वजन बढ़ा है। तो आप जिसे नाप सकते हो, आप परिमाण कर सकते हो इसको, जिसको आप वेट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे कि आप मेज़र कर सकते हो, जिसको कि आप दिखा सकते हो, बता सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो मनुष्य में वृद्धि किशोरावस्था तक तो लगातार अच्छी गति से होती है, उसके बाद धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, और एक उम्र के बाद तो मनुष्य में वृद्धि की प्रक्रिया जो है बिल्कुल रुक जाती है। जबकि विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष को प्रदर्शित करता है, और विकास की क्रिया संपूर्ण जीवन चलती है। अब इस बात को समझिएगा कि विकास की प्रक्रिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि शारीरिक बदलाव तो हम कहते ही कहते हैं, विकास की प्रक्रिया में हम शारीरिक बदलाव का तो ध्यान में रखते ही, साथ ही साथ गुणों में क्या परिवर्तन आया। जैसे जैसे आपकी शारीरिक बदलाव हो रहे, आप बढ़ रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, आप नए नए गुण भी सीखते हैं, आपकी व्यवहारिकता और बढ़िया होती जाती है, आपकी भाषा कौशल विकसित होती है, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आप जो है व्यवहारिक होते चले जाते हो, तो आपके हर एक पक्ष में भी आप वृद्धि करते हो। तो जब हम बात करते हैं विकासात्मक पक्ष की, यानी कि विकास की, तो विकास के अंदर हम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्षों की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ, इट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटी की भी बात करता है और क्वालिटी की भी बात करता है। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं यानी वृद्धि की, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, मेज़र की बात करते हैं, यानी कि मापन की बात करते हैं। तो वृद्धि यानी कि हम जिन चीज़ों को माप सकते हैं, जिनको कि हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परिणाम दे सकते हैं, यानी क्वांटिटी में दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिसे हम मेज़र भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जिसको कि हम गुणों में विकास के रूप में, गुणों में वृद्धि के रूप में समझ सकते हैं। तो ये गुणात्मक भी है और परिणात्मक भी है, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि को मापदंड की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। विकास को मापना सरल शब्दों में तो कठिन होता है, इसे समझा जा सकता है, और वृद्धि का परिणाम व्यवहार और कौशल परिवर्तन के रूप में दिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा माफ करेगा, यहाँ पर जो है विकास शब्द होगा, तो ये विकास शब्द यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर विकास शब्द होगा। तो विकास का जो परिणाम होता है, इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इससे आपके योग्यताओं में विकसित होती है, आपके अंदर नई नई बातें आती है, आप नई नई चीज़ों को सीखते हो, परिचित होते हो। तो विकास जो एक ऐसा शब्द है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके अंदर नए गुण आए हैं, आप ज़्यादा समझदार हो गए, आप ज़्यादा योग्य हो गए हो,
आपने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत किया, आप सामाजिक रूप से अब जो है ज़्यादा पसंद किए जाने लगे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके गुणों, आपके कौशल को साथ ही साथ आपके शारीरिक बदलाव को इकट्ठे रूप में हम बात करें तो ये प्रदर्शित करता है। तो वृद्धि का मापदंड सिर्फ होता है 3D में रखा जा सकता है, तो यानी कि वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्सप्रेस्ड इन केजी आवर मीटर लेंथ एक्सेट्रा, लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, इट कैन बी रियलाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि का संबंध जो होता है केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है, फिजिकल अगर हम यहाँ पर बात करें तो वजन, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में परिवर्तन से होता है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और हमारे जीवन के सभी पक्षों में हो रहे बदलावों से होता है, और ये सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल इंक्रीज इन वेट, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। वृद्धि की क्रिया बाह्य और आंतरिक रूप से हो सकती है, वृद्धि की क्रिया बाह्य यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से होती है, हमारे इंटरनल पार्ट भी होते हैं, आंतरिक रूप से भी जो है हमारे जो अंग हैं उनका आकार बढ़ता है, और बाहरी रूप से भी हमारे अंगों का आकार बढ़ता है, हमारे हाथ पांव की लंबाई, हमारा वजन, हमारा आकार सब कुछ बढ़ता है। इसी तरह से हमारे आंतरिक अंग जैसे हृदय का साइज, किडनी का साइज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज, ये सारी जो आंतरिक अंग हैं उनका भी आकार में परिवर्तन होता है और ये वृद्धि को संदर्भित करता है। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक रूप से होती है, यानी कि बाह्य तो होता ही नहीं कुछ है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया को व्यवहार के परिवर्तन में नए नए गुण सीखने के संदर्भ में ही आप समझा सकते हो। तो विकास जो है आपका आंतरिक होता है, यानी व्यवहारिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर वृद्धि, हम बात करें कि इसके अंदर अच्छी वृद्धि हुई, मतलब उसके हाइट में बदलाव आया होगा, उसके वजन में बदलाव आया होगा या उसकी लंबाई में परिवर्तन आया होगा, तो ये वृद्धि है। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को आप सामान्यतः देख नहीं सकते, क्योंकि ये आमतौर पर दिखने योग्य होते नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं यार ये ना सामाजिक रूप से बहुत विकसित हुआ है, ये ना आर्थिक रूप से इसने बहुत विकास किया है, इसका हेल्थ देखो कितना अच्छा हो गया। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं इसे हम देख तो नहीं सकते, आमतौर पर देख नहीं सकते, लेकिन हाँ जब उस चीज़ को उसके व्यवहार में हम मापेंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन से हम लोग उसका जब आकलन करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इसके विकास हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे यार पहले ये छोटी सी दुकान चलाता था, आज देखो इतना बड़ा ग्रॉसरी स्टोर चला रहा है या इतना बड़ा बिजनेस कर रहा, तो ये क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ। जब हम कहते हैं यार ये देखो पहले पूरे टाइम बीमार रहता था, आज देखो कितना हेल्दी, सारे गेम्स खेल पाता है, बाहर दौड़ता धूपता, मतलब हेल्थ में शारीरिक विकास हुआ, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हुआ। हम बात करते हैं यार देखो पहले ये कितना व्यक्ति था, लोग इसे जानते नहीं थे, आज देखो इसके कितने फैन फॉलोइंग है, लोग इसे जानते हैं, तो ये क्या हुआ, उसका सामाजिक विकास हुआ। तो इस चीज़ों को आप व्यवहार में समझ सकते हो, उसके आसपास के वातावरण से आप समझ सकते हो कि व्यक्ति का विकास हुआ। तो व्यक्ति का विकास जो है उसके कई सारे आयामों का योग है, जबकि वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास को प्रदर्शित करता है। ग्रोथ कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, ठीक है। मुख्य रूप से विकास की प्रक्रिया जो है, विकास की ही मुख्य रूप से वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग है, जबकि विकास क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विस्तारपूर्वक इसमें आप अपनी तरफ से अच्छे पॉइंट और ऐड कर सकते हो।